Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get a Tape, and I'm back with another session in my job series and interview questions post pandemic. Yes, as I have told you that since the situation has been changed in 2020, so the interview questions after post pandemic, or you can say after this lockdown and COVID period, नाउ द क्वेश्चंस हैव बीन चेंज्ड. जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं, बिकॉज वो सेम क्वेश्चंस 9, 10, 8, 7 क्वेश्चंस अब वो नहीं है जो हमेशा पूछे जाते थे, लाइक ऑलवेज की व्हाट आर योर स्ट्रेंग्थ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड ऑल. नाउ दीज स्ट्रेंग्थ्स वीकनेसेस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू हाउ वेल यू कैन वर्क फ्रॉम होम, हाउ यू मैनेज योर टीम, व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग पेंडेमिक, राइट. शेप वही है, बट आपको जो आंसर्स देने हैं वो कंसिडरिंग वर्क फ्रॉम होम देने हैं. सो इस सीरीज में मैं ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चंस दे चुकी हूँ, एंड अगर आपने वो मिस कर दिए हैं सो चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको मेरे सारे 3 क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे, दैट क्या पर्पस है उन क्वेश्चंस के एंड आप उन्हें कैसे आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग पेंडेमिक. सेकेंड वॉज how you have balanced your productivity while working from home, and third voice what challenges you have faced while working from home. And now today it's very interesting, fourth question, and it's very obvious question, because if you are going for any position, aap kisi bhi position ke liye ja rahe hain, either for a managerial position or even for a normal positions, then also ये question twist and turn करके आपको दिया जा सकता है. और ये question है क्या, how you managed your team or how you manage your work while working from home. Basically आप remotely कैसे अपनी team को manage कर रहे थे. अगर आप managerial position पे हैं तो ये बहुत important हो जाता है कि आपने अपनी team को work from home के duration में कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया, कैसे मॉनिटर किया. सो इसे आंसर करने के लिए पहले हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है. यस, सो व्हाट कैन बी द पर्पस. इंटरव्यूअर आपसे क्यों पूछ रहा है कि आपने अपनी टीम कैसे मैनेज करी, या फिर जो टीम आपको मिली थी उसके साथ आपने कोऑर्डिनेट करके अपने टास्क कैसे कंप्लीट करे. सिंपल रीजन है कि इंटरव्यूअर वांट्स टू नो योर मैनेजरियल स्किल्स, कि आप रिमोटली भी कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अच्छा और अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. वेरी ऑब्वियस, जब इंटरव्यूअर आपको हायर कर रहा है और मैनेजरियल पोजीशन पे कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पता चले या प्रूव कर पाएं कि आप एज अ मैनेजर रिमोटली वर्क फ्रॉम होम करके बहुत अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, एंड आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. सो ये तो था इसका पर्पस, एंड नाउ हाउ यू हैव टू आंसर. वाइल आंसरिंग दिस आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें. यस, कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं. डोंट्स इस बार कम है, लेकिन हाँ डूज मैंने 5 बताने हैं आपको जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं. वाइल आंसरिंग दिस आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ट्राई टू बी रियल, नेचुरल एंड रियल. अपने ऊपर सोच के देखिए कि आपका कोई बॉस हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उसके साथ कि वो कैसे आपके साथ डील करे, राइट. उसके लिए आप कैसा सोचेंगे कि अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई हैं तो आपका बॉस आपको कैसे डील करे. सो अगर आपने डील नहीं किया है, और मतलब आप एक नॉर्मल पोजिशन से मैनेजरियल पोजिशन के लिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो बॉस के लिए मैं कैसे सोचूंगा. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर करना है. ऑब्वियसली आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है, तो आप आंसर तो पहले ही प्लान करेंगे, बट जब आप आंसर प्लान करेंगे करने बैठेंगे तब के लिए आपको ये ज़रूर सोचना है कि अगर आपका बॉस आपसे काम लेगा तो आप कैसे काम दे पाएंगे और कैसे सूटेबल रहेगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट. आपको क्या मेंशन करना है कि आपका फोकस हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शंस पर रहा है. यस, जब हम दूर बैठे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आती है क्लियर इंस्ट्रक्शंस. अगर हमें इंस्ट्रक्शंस ही क्लियर नहीं मिलेंगे ऑनलाइन बात करते वक्त या थ्रू मेल्स, जैसे भी जो भी हम मोड यूज़ कर रहे हैं, इट कुड बी वाई मेल, इट कुड बी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, इट कुड बी वन टू वन मीटिंग्स, इट कुड बी वीडियो कॉल्स,
इट कुड बी जूम मीटिंग्स एंड एनीथिंग विच यू आर यूजिंग फॉर वर्किंग फ्रॉम होम एंड फॉर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन विद योर टीम मेम्बर्स. कोई भी मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर आप इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए ये समझना कि उन्हें क्या काम करना है और आपके लिए ये बताना कि क्या टास्क परफॉर्म होना है. सो आपका फोकस क्या रहेगा? क्लियर इंस्ट्रक्शंस पे, कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर जाएं. ओके, सेकंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 3 फेजेस में है: रिव्यू, फीडबैक एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्हें कभी रिव्यू ही नहीं किया, आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़ दिया, उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको काम चाहिए. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि आप दूर बैठे हैं तो आपका ड्यूटी बनती है ये सिंपली. अगर आप मैनेजर पोजीशन पे हैं और आपकी टीम नीचे काम कर रही है तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप एक बार ये चेक करें कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या वो प्रेजेंट कंडीशंस में फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ रेडी हैं और क्या वो सच में कर पाएंगे. सो दिस इज़ रिव्यू ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस. सेकेंड मैंने बताया आपको फीडबैक, बहुत ज़रूरी है. जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने टीम मेंबर्स से उसका फीडबैक ज़रूर लें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको करने में, और अगर एवरीथिंग इज़ फाइन तो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो. थर्ड फेज जो मैंने बताया इसी पॉइंट का, वो बताया फ्लेक्सिबिलिटी. यस, इट्स वेरी वेरी यूजफुल कि आप अपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, प्लान है, उसे हमेशा फ्लेक्सिबल रखें. ये नहीं है कि वो एक रिजिड रूल्स हों कि नहीं ये इतने टाइम तक होना ही है, ये काम ऐसे ही होना है. नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कि चलिए ये ऐसे नहीं हो पाया तो हम इसे ऐसे कर देते हैं. बिकॉज आपको पता है कि कितनी जल्दी जल्दी सिचुएशंस बदलती हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने टीम मेंबर्स के क्लोज नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स बता रहे हैं आप हमेशा इस एटीट्यूड में रहेंगे कि नहीं मैंने जैसा बताया है वैसे ही होना चाहिए. नहीं, दे आर एम्प्लॉयज़, दे आर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ जो आपको एज टीम मेंबर्स मिले हैं. अगर वो फ्रेशर्स भी हैं स्टिल दे हैव देयर ओन माइंड्स, दे आर ह्यूमन. ओके, सो आपको उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कह रहे हैं और आप क्या चीज़ फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. राइट, सो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट वॉज क्लियर इंस्ट्रक्शंस, फोकस ऑन क्लियर इंस्ट्रक्शंस. सेकेंड जो मैंने आपको बताया वो था रिव्यू, फीडबैक एंड फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ थर्ड इज रिपोर्टिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बींग ऑन मैनेजरियल लेवल दैट टू सेट अ प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम. नाउ रिपोर्टिंग कुड बी ऑफ एनी काइंड, लाइक इट्स अ डे एंड रिपोर्टिंग, वीक एंड रिपोर्टिंग, और आफ्टर 2 days और 4 days, विच एवर इज सूटेबल एज पर योर वर्किंग स्टाइल एंड एज पर योर प्रोफाइल्स. लाइक इसको आप मॉड्यूलेट एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग के, अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ और टीम मेंबर्स आपके ग्रुप में हैं उनको रिपोर्टिंग देना डेली बेसिस पे नेसेसरी है क्योंकि वर्क प्रोफाइल उस तरीके का है. अगर कुछ वीकेंड रिपोर्ट्स हैं तो वो सिस्टम प्रॉपर इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं और वो प्रॉपर नहीं होती हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हम कितना काम कर रहे हैं. राइट, सो दीज आपने एक प्रॉपर सेटअप सेट किया है जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट्स में रिपोर्ट्स आती हैं जो कि आगे भी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आप डिलीवर कर सकते हैं. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रिपोर्टिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट सेट किया हुआ था. फोर्थ, टीम कल्चर. नाउ बीइंग अ मैनेजर इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मेंटेन अ प्रॉपर टीम कल्चर विद इन योर टीम मेंबर्स, लाइक प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, लाइक दे आर टू हेल्प ईच अदर. वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, पर्सनल ग्रजेस छोड़कर वो लोग सब एक दूसरे को कॉपरेट करके काम करते हैं एंड ओपन हैं कि किसी की हेल्प करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि इसने मेरी उस दिन हेल्प नहीं की थी और इसने मेरे ऐसा मेरे इसके साथ ये प्रॉब्लम है. इस टाइप की चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती हैं आपके टीम में, और ये आपने मेंटेन किया है कि सब लोग बहुत अच्छे कल्चर के साथ यहाँ पे काम करते हैं.
डिसिप्लिन इन द सेंस, जैसे आप ऑनलाइन मीटिंग्स में हैं तो ऐसा नहीं है कोई लेटा हुआ है और तब मीटिंग ले रहा है, और बहुत ही कैजुअल एटमॉस्फेयर है. देखिए, बीइंग अ मैनेजर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ डिसिप्लिन ऑल्सो, क्योंकि अगर आपकी रिस्पेक्ट ही आपके टीम मेंबर्स नहीं करेंगे और आप उनकी नहीं करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको काम लेना उनसे और उनका भी आपके साथ काम करना. सो एक रिस्पेक्ट मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे आती है, जब आप एक कल्चर मेंटेन करेंगे कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, रूल्स इस तरीके से हैं, वो आप फ्रेम करेंगे और वो आपको ठीक से उन्हें डिलीवर करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग चलेगी. ओके, एंड नाउ फिफ्थ, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि मेरा फेवरेट है, दैट इज रिक्रिएशन एंड फन टाइम. नाउ एवरीबॉडी इज ह्यूमन, दे ऑल्सो नीड कि हाँ भाई, एक अच्छा हमारा बॉन्डिंग हो हमारे बॉस के साथ, हमारे मैनेजर के साथ. बिलीव मी, हमेशा एम्प्लॉयज ऐसा चाहते हैं कि काम से हटकर भी हमारा जो बॉस हैं या हमारे जो हेड हैं, हमारे जो मैनेजर हैं, वो कभी हमसे कैजुअली ठीक से बात करें. कैजुअली डजेंट मीन पर्सनली, ओके. कैजुअल इज समथिंग कि आप काम कर रहे हैं, जैसे आप ऑनलाइन मीटिंग्स ले रहे हैं, वो वीडियो मीटिंग्स हैं आपकी, और उसमें आपने स्टार्ट में सबसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लिया, फैमिली के बारे में आपने कैजुअल कन्वर्सेशन कर लिया, नॉट पर्सनल. नाउ पर्सनल और यू नो कैजुअल कन्वर्सेशंस में डिफरेंस है, एक लाइन है जिसको आप मेंटेन करके रखें हमेशा. सो इट्स लाइक आपने कभी कभी किसी भी कैजुअल चीज़ों के बारे में बात कर ली, और रिक्रिएशन के लिए एक जैसे सिंपल जोक्स हैं वो साथ में यूज़ कर लिए, वो क्रैक कर लिए. नॉट यू नो किसी की डिग्निटी ख़राब करते हुए नहीं, किसी पे कमेंट करते हुए नहीं, नॉर्मल, राइट. सो ये हो सकता है, जैसे कि आपकी एक घंटे की मीटिंग है और आपने स्टार्टिंग में मीटिंग ली, तो आपने सबकी हालचाल पूछ लिए कि हाँ भाई, सब लोग कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, बिकॉज कोविड सिचुएशन चल रही थी और लॉकडाउन भी था, तो बहुत सारे लोग प्रेशराइज भी थे, राइट. सो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए भी एक स्कोप रखा हुआ था. एंड ये बहुत बेनिफिशियल भी है, बहुत फ्रूटफुल भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो बोरिंग ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं वो नॉर्मली नहीं कोई अटेंड करना चाहता, एम्प्लॉयज़ बोर हो जाते हैं. तो अगर उन्हें ये होगा कि हाँ भाई, बॉस आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा मीटिंग्स अटेंड करने में भी, राइट. सो कीपिंग द डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टाइम आप फन एंड रिक्रिएशन का वहीं से ही निकालें, जो आपका नॉर्मल प्रोफेशनल टाइम है उसमें ही, वाइल वर्किंग फ्रॉम होम और रिमोट. सो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो कि डूज हैं, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट या आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जब आप इंटरव्यू देने जाएं, राइट. सो आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम माय साइड, लेकिन अगर मैंने कुछ लेफ्ट आउट कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जैसे कि मैं भी अपडेट हो जाऊं. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग जो मैं कह रही हूं, सो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय गिविंग थम्स अप, बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचे. नाउ डोंट्स, सो फर्स्ट इज प्रेशर. आपको कहीं भी मेंशन नहीं करना है अपने स्टेटमेंट में दैट यू बिलीव इन गिविंग प्रेशर एंड तभी काम होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. यू मस्ट नो कि आप कितना काम, बीइंग अ मैनेजर, आपको पता होना चाहिए आप कितना काम ले सकते हैं अपने टीम मेंबर्स से, एंड वो आप राइट तरीके से ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एंड वो किसी यूज़ का नहीं रहेगा, और आपकी टीम कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी. ओके, सो डोंट थिंक कि इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देके अपनी टीम में को रखता हूँ एंड वो बहुत ज़्यादा काम देते हैं, राइट. बिकॉज ये स्टेटमेंट देना बहुत ही वेग है अपने आप में कि प्रेशर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर लेंगे, आपकी टीम बात सुन लेगी, बिकॉज वो कभी हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वर्क नहीं करेगा. ओके, सो यू डोंट हैव टू मेंशन दिस काइंड ऑफ थिंग. एंड सेकंड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉसी कल्चर, इट्स अ बिग नो, एंड यू डोंट हैव टू मेंशन दैट आई एम अ वेरी गुड बॉस एंड पीपल यू नो फॉलो मी बिकॉज ऑफ माई फियर एंड आई एम अ टिपिकल बॉस. This is not the right thing, because again कोई भी
पर्सन किसी को इसलिए हायर नहीं करता है कि वो सिर्फ एक यू नो डिक्टेटर की तरह वहाँ काम करे. दे वॉन्ट कि बहुत अच्छा कंपनी का रेप्यूटेशन बने और अच्छी ब्रांडिंग हो. वो तभी हो सकती है जब वहाँ के जो हेड्स हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस पे लोग हैं, वो अपना काम ठीक से कर रहे होंगे. और ठीक से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस हो. ओके, देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग्स. आप प्रोफेशनल होइए, बट यू डोंट हैव टू बी अ डिक्टेटर. यू हैव टू बी अ लीडर अगर आप सच में चाहते हैं कि टीम आपको फॉलो करे, एंड नॉट लाइक अ टिपिकल बॉस कि ये ऐसे ही होना है, मेरे से डरिए आप और ऐसे ही करिए और ऐसे ही करिए. नहीं होता आज के टाइम में, कोई ऐसे काम नहीं कर पाता और ना करता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बॉसी कल्चर नहीं चलता. सो प्लीज़ उसे मेंशन ना करें, डर के काम ना कराएं, मोटिवेट करके काम कराएं और काउंसिल करके काम कराएं. ओके, सो ये थे डोंट्स. और द टाइम फॉर कॉन्टेस्ट नंबर 60, एंड व्हाट यू हैव टू डू इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ जो मैंने डोंट्स बोले हैं, सिर्फ दो बोले हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए. आई विल बी रियली हैप्पी. टाइम फॉर 63rd वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे, एंड यस, 62 vocabulary words are gone in my previous 62 videos. You can check them out and you can learn them, revise them. I don't need to tell you that only one word is there per video, and it's really easy and simple to learn and revise them, and you can use them in your daily life. As I have mentioned, the synonyms plus the sentences which you can use in your daily routine. Today's word is grumpy. Grumpy means chirchida, bad tempered. Its synonyms could be nasty, moody, irritable. It can be better used in sentence as she behaves in a grumpy manner while going to school every morning. Means jab wo morning jaati hai school to bahut hi chidchida behave karti hai. Okay, so bahut hi normal si baat hai, bacche aisa karte hain. So मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत खुशी से जाते हैं. ओके, सो हैप्पी वॉचिंग. थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड रिमेन एक्टिव ऑन माई चैनल. बाय बाय.